वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अब मेरा आज हम बनाएंगे दूसरा व्लॉग। तो उसके लिए अभी मैं सो के उठा हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट करा है। अब मैं जाऊँगा सलून, थोड़ा पर्क लूँगा, अपनी खत बनवाऊँगा। तो फिर आपको जाना कहीं नहीं है, आपको मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि आज हम आपको दोबारा कराची के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे क्या क्या चीज़ उसकी फेमस है, खाने की चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, मेन्यू के बारे में। अच्छा, वो सीन भी कैसा है। फाइनल सलून में तो आ गए। अब ये भाई जो हमारे देखने में तो लग रहे छोटे हैं, लेकिन काम जो पूरा करते हैं। तब तो बनवाते हैं, हद के बाद आपको बनवाते हैं, सारे काम करवा के। जी फ्रेंड्स, वापस घर पे आ चुके हैं सलून से, और अब हम फ्रेश होने की तैयारी करूँगा, क्योंकि चेंज करना है। चेंज करके फिर इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं अपना सेकंड व्लॉग बनाने। उम्मीद है कि वो प्लेस आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि वो कराची का फेमस रेस्टोरेंट है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है कोयला चाय। तो टी लवर्स इसको ज़्यादा पसंद करें। हमारे उमर भाई आ गए हैं मुझे पिक करने। अच्छा फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा, और उमर भाई हमें पिक करने आ गए हैं। तो बाकी एक दो दोस्तों को और पिक करना है, फिर निकलते हैं इंशाल्लाह ब्लॉग की तरफ अपने। नो भाई, आधे घंटे से ये उमर भाई की कॉल आ रही थी मेरे पास कि यार मैं रेडी हूँ, और अब इनके घर पे हमने बेल बजाई है, तो अब वो बोल रहे हैं कि 5 मिनट, इशारा कर रहे हैं 5 मिनट। 5 मिनट इनके होते हैं 1 घंटे के बराबर। आ जाए तो फिर उससे ज़रा तक ले लेते हैं। वह यार उमर, इतनी देर बाद आ रहा है यार। अबे तुम टोपी आदमी हो भाई। ये उमर भाई आ चुके हैं, और ये आके बहाना ये कर रहे हैं कि जो है तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये बस टोपी आदमी है। अच्छा फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमर भाई भी आ गए, जिनका मैं विजिट कर रहा, जिनका हम लोग वेट कर रहे थे, तो ये ज़रा इनसे पहले आप मिलें। भाई कहाँ जा रहे हैं उमर भाई, बताएं ज़रा दो फ्रेंड्स को उसके बारे में। सरप्राइज भाई, सरप्राइज़ नहीं है इनको, मैं बता चुका हूँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम तीनों ब्रेडिंग हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने सेकेंड ब्लॉग की जानब, सेकेंड ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं, और उम्मीद है कि आप लोग ये ब्लॉग पसंद करेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं आज कराची के एक फेमस रेस्टोरेंट कोयला चाय, और वहाँ आपको जाके बताते हैं वहाँ की फेमस डिशेज जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। कोयला चाय वाले ख़ुद भी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो अपनी खाली टॉप रूफ के यानी छत पे जो उन्होंने अपना लाइव सिंगिंग प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, अपने डिशेज के बारे में बताते हैं। आज हम आपको पूरा कोयला चाय विज़िट कराएंगे, और उसकी एक एक चीज़ के बारे में बताएँगे। तो फिर हमारे साथ रहिए, आपको जाना कहीं नहीं है, और आपको करना है चैनल, आपको कराची एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं सी व्यू पे, कोयला चाय भी हम आपको विजिट कराते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा पहले आपको सी व्यू दिखा दूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है, और आप ज़रा ये रश देखें, आवाम कितनी यहाँ पहुँची हुई है। आपको थोड़ा बाहर निकल के विजिट कराता हूँ, आइए मेरे साथ। ये भाई हमारे अंगड़ाई वगैरह ऐसे ले रहे हैं जैसे हैदराबाद से हैं ये। आ जाओ भाई। दोस्तों, यहाँ से हम गुजर रहे थे कोयला चाय के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि आपको थोड़ा सी व्यू भी विज़िट करा दूं, क्योंकि एक दो हफ्ते से मैंने भी विज़िट नहीं किया, और विज़िट करने का मकसद भी ये है मेन हमारा,
कि आप देख सकते हैं यहाँ पोलों पे लाइटिंग लग गई है, सबसे बड़ी बात। और बाकी उमर भाई आपको उसके बारे में बताते हैं। जी उमर भाई, आप क्या है चेंजिंग देख रहे हैं सीवीओ के ऊपर? सफाई सुथराई बहुत VIP सफाई हो गई है, क्लीन हो गया काफी है। अभी भी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन चल ही रही है अभी भी यहाँ पे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है यहाँ पे। लोग देखें गाड़ियाँ कहाँ से लेके चले, कहाँ से लेके गए? जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बता दो यार, बंदा सह रहे हैं यहाँ से लेके जा रहे हैं। अच्छा आइए दोस्तों, थोड़ा आपको विजिट कराते हैं, आओ। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नीड एंड क्लियर है। बैरियर वगैरह लगा दिए यहाँ पे इन्होंने, कलर्स वगैरह कर दिया है, एक अलग ही इन्वायरमेंट यहाँ का कर दिया है। वरना आज से एक दो महीने पहले की बात है, हम जब यहाँ आते थे तो फिर इतना यहाँ का यहाँ सफाई सुथरा नहीं थी। आज से दो तीन महीने पहले ये आप देख सकते हैं, और ये स्वीपर को भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ कचरा जमा होने नहीं दे रहे, बहुत अच्छी बात है। गार्बेज ये अलग ही जमा कर रहे हैं। कैमरे में दोस्त अगर आप देख सकें, ये विजिट आपको दिखाता हूँ। ये देखें पार्किंग से आइडिया हो रहा होगा आपको कि यहाँ पब्लिक कितनी पहुँची हुई है। और आज वीकेंड नहीं है, आज फ्राइडे है, जबकि फ्राइडे पे आप ये रश देख सकते हैं कराची वालों का, रश कितना है सी व्यू पे। फैमिलीज वगैरह यहाँ काफ़ी आई हुई हैं। और ये कैमरा मेरा अगर जूम कर सके तो आपको दिखाऊँगी। देखें ये हम काफ़ी दूर खड़े हैं पानी के पास से, रश आप देख सकते हैं। मोबाइल मेरा ज़्यादा कवर कर नहीं पा रहा इस चीज़ को, लेकिन आइडिया आपको हो गया होगा कि रश। ये उमर भाई हमारी कैप्चरिंग करते हुए। अच्छा दोस्तों, हम फाइनली कोयला चाय पे पहुंच गए हैं। और इसकी थोड़ी लोकेशन के हवाले से आपको मैं गाइड कर दूं, क्योंकि ये है सर्विस रोड पर है, तो बहुत से लोगों को इसका रास्ता पता नहीं होता। तो लोकेशन हमारी समझाएंगे उमर भाई। जी उमर भाई, लोकेशन आप गाइड कर दें दोस्तों को जो आना चाहें, ताकि वो मिस गाइड ना हो। ये आप लावल हाउस चौरंगे पे आएँ, उसके बाद से थोड़ा राइट लें, उसके बाद नियर शेल पंप के बराबर में बिल्कुल ये जगह है कोयला चाय, कराची में वाकई है, बहुत अच्छी जगह है। अब बाकी आप चलें अंदर का आपको व्यू दिखा दें। जी दोस्त, उमर भाई ने आपको जैसे कि यहाँ की लोकेशन के बारे में गाइड कर दी, और ये आप कैमरे में जैसे देख सकते हैं शूटिंग भी चल रही है। और लोकेशन में आपको दोबारा समझा दूँ कि आप क्लिफ्टन पे मौजूद है ये रेस्टोरेंट, और आप जैसे यहाँ बिलावल चुरंगी क्रॉस करते हैं, बिलावल चुरंगी क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, नेक्स्ट टू शेल पंप है, और इस सर्विस रोड पे ये है कोयला चाय। तो अब आप चलिए हमारे साथ अंदर, और आपको इसके बारे में बताते हैं बाकी। ये आपने देखा है इंटर हो चुके हैं हम सैनिटाइज करके, और तो इसके हम आपको स्क्रीन के बारे में बताएंगे, और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं इसके बारे में। नीचे का सीलिंग एरिया आपको मैंने विजिट कराया, अब हम आप चलते हैं ऊपर की जाने। ऊपर आपको दिखाते हैं टॉप रूफ पर, उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ डाइनिंग का, तो मेरे साथ रहिए, आ जाइए। अच्छा दोस्तों, तो ये आप विज़िट या खाली व्यू चेक करें, इतना VIP इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है डाइनिंग का निज़ाम छत के ऊपर, जैसा कि मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ऊपर का आप लुक चेक करें। सीटिंग एरिया, इन्वायरमेंट आप चेक करें, बड़ा ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। अच्छा
अच्छा दोस्तों, ऑर्डर तो हमने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, मैं ये प्रेफर करूँगा आप जब भी कोयला चाय आएँ तो यहाँ पे आप मस्ट क्या कहते हैं एक मटका चाय पिएँ। और यहाँ का पिज़्ज़ा पराठा बड़ा फेमस है जिसका हमने अभी ऑर्डर दिया, आने वाला है थोड़ी देर में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं व्यू, आप बॉस दोस्तों व्यू चेक कर रहे हैं। ये हमारे दोस्त उमर भाई, दोनों उमर हैं, ये हमारे उमर भाई हैं। अभी मैंने इतनी अच्छी एक व्लॉगिंग बना दी थी आप लोगों के लिए, पूरी व्लॉगिंग तैयार है। वो एंड में वो बोल रहे हैं किले कहाँ से करना, ये इनकी हरकत है यार, पूरे इन्होंने ऐसी देसी। लेकिन फ्रेंड्स, नाराज़ होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हमने फिर भी काफ़ी वीडियोज़ बना ली है, तो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी है। लेकिन आपको काम ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कराची एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी जितने भी वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें। और ब्लॉग्स मेरा बनाने का मतलब ये है कि जितने भी आउट ऑफ कंट्री लोग आते हैं या इसके अलावा लोकल्स कराची के जितने भी हैं, हमारा आधा एक घंटा इसी चीज़ में ज़ाया हो जाता है यार, जब हम गैदरिंग बैठती है या कज़न्स की गैदरिंग की, यार कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। तो आपको करना ये, कराची एक्सप्लोर को जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे प्लेसेस पे लेके आएंगे जो कराची के अंदर वाक़ हैं और कहीं नहीं। तो हमारे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं जो ऑर्डर प्लेस किया है वो आने वाला है। ऑर्डर अच्छा दोस्तों, ऑर्डर जो प्लेस किया था वो आ चुका है, तो आपको दिखाते हैं इनकी मटका चाय, बड़ी फेमस है, इंट्रोड्यूस भी इन्होंने कराई है कराची में, फर्स्ट टाइम मटका चाय ये देखिए, कि लास्ट की ये चाय होती है, इसका टेस्ट ही एक अलग होता है। और जब आप इस मौसम में छत पे बैठ के पिए तो बात ही क्या है, आपके मज़ा ही अलग इस चाय का। थैंक यू, ये चेक करें मटका चाय, फ्लेवर भी चाय में इसके अंदर आपको फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे, इलायची वाली चाय, कश्मीरी चाय, फ्लेवर्स भी इनके पास होते हैं, इंट्रोड्यूस भी इन्होंने करा है। और अब हम थोड़ा कुछ खाएंगे ताकि एनर्जी वगैरह आए दोस्तों। और आपको प्रीफियर में यही करूँगा कि आप जब भी यहाँ का विज़िट करें, इनकी एक टर्किश कबाब की एक डिश है बड़ी अच्छी है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। और रिसेंटली इन्होंने भी इंट्रोड्यूस कराई है। बाकी पिज़्ज़ा पराठा इनका बहुत ही औसम है, हमने लास्ट जब भी हम लोग आते हैं तो ये तो ज़रूर हम लोग खाते हैं, डिनर करें ना करें ये ज़रूर हम लोग खाते हैं। और बाकी व्यूज़ दोस्त, अब आप देखें मगरिब हो रही है तो मैं आपको इसका भी थोड़ा व्यूज़ दिखाते चलूँ। ये उमर भाई खुश हो गए कि ये भी टी लेवर्स हैं, ये उमर, ये आप बस देख सकते हैं जैसे लाइव इनका लाइव, ये लोग सिंगिंग, इनका लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, 8 बजे तक तकरीबन स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कि अलग ही यहाँ पे फिर एक एनवायरनमेंट होता है इन चीज़ों का। और मौसम आपको पता है कराची का बड़ा, आजकल कोयटा की हवा चल रही है, बड़ा VIP मौसम हुआ यहाँ का। और यह व्यू चेक करें, प्लाजा चेक करें आप। तो फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कराची एक्सप्लोर को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस तमाम आपको टाइम पे मिल सकें। तो मेरे साथ रहिए, फिलहाल आपसे मिलते हैं थोड़े। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ के मेन्यू के बारे में बता दिया, जगह आपको दिखा दी, और यहाँ इनका लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी चलने वाला है, तो आप इंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में बताया, यहाँ के मेन्यू के बारे में, यहाँ के स्पेशल के बारे में, और काफ़ी चीज़ें आपको उमर भाई ने भी यहाँ की बताई, लोकेशन वगैरह भी सब कर दी है। तो ये कराची का एक बड़ा अच्छा फेमस रेस्टोरेंट है, तो जो भी दोस्त कराची आए हैं यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कराची चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कराची एक्सप्लोर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।